हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाइल्स बाय गूगल ऐप के बारे में, जो कि एक बहुत बढ़िया ऐप है। तो मैं आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, गूगल की एक ऐसी ऐप है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं है। इस ऐप के जरिए आप अपने फोन के स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके फोन में कम स्टोरेज है, अगर आप अपने फोन के स्टोरेज से परेशान रहते हैं, तो आप इस ऐप के जरिए आप अपने फोन को मैनेज कर सकते हैं। तो बड़े कमाल की ऐप है ये। तो इस वीडियो आपको इस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रेंड और मैं हूँ ललित। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाना है। अगर आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, और एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको एप्पल स्टोर पर जाना है। यहाँ पर तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में आपको लिखना है फाइल्स। फाइल्स लिखने के बाद आपको ये सर्च करना है। यहाँ पर लिखा आ जाएगा फाइल्स बाय गूगल। अगर ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज दिखा देगा 64 GB, और इतना मैं यूज़ कर चुका हूँ ये पूरा दिखा रहा है। यहाँ पर तीन नीचे ऑप्शन आ रहे हैं क्लीन, ब्राउज़ और शेयर के। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो जंक्स फाइल का यहाँ पर दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और ये इसको क्लीन कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा, आपके फ़ोन में जो भी जंक्स फाइल थे वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये कर लेना है। आप यहाँ पर ये कर लें और इसको ओके कर लें। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये दिखा रहा है डुप्लीकेट फाइल्स। तो दोस्तों, जो मेरे फ़ोन में डुप्लीकेट फाइल है ये वो दिखा रहा है, मोर डुप्लीकेट फाइल्स। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 14 MB डिलीट कर दी है ओल्ड फाइल। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये दिखा रहा है ओल्ड स्क्रीनशॉट्स। तो ये मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये भी काफ़ी सारा स्पेस कवर कर लेते हैं। ये शो कर रहा है ऑल स्क्रीनशॉट्स, तो ऑल आइटम कर लूंगा एंड डिलीट। एक किस MB में डिलीट कर दिया हूं। इसके बाद यहाँ पे आपको अनयूज्ड ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं और आपके यूज में नहीं आ रहे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है लार्ज फाइल का, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा क्लीन वाला ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे बाजू में दिया हुआ ब्राउज का ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों, दूसरा फीचर ये है, इसमें ब्राउज में आप जाएंगे तो यहाँ पर अपने फ़ोन के पूरे फोल्डर्स वगैरह, अपनी सारी फाइल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपका इंटरनल स्टोरेज वगैरह सब दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक तीसरा ऑप्शन मिल जाता है शेयर का, और इसके जरिए जैसे कि आप ब्लेंडर को यूज़ करते थे आपकी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा ये ऐप है। जैसे आप ब्लेंडर के थ्रू फाइल को सेंड और रिसीव करते थे, यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फ़ोन है उसमें भी गूगल बाय फाइल्स होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस ऐप को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी फाइल्स बाय गूगल ऐप। अगर आपके फ़ोन में फिक्स स्टोरेज है 64 GB या 32 GB, तो भी आप इस ऐप को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ऐप है, तो बड़े काम की ऐप है ये। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन भी उसको भी प्रेस कर दीजिए।